लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आपने आज तक कीमती सामान से लेकर मोहब्बत में नींद और चैन चोरी होने की बात तो सुनी होगी, लेकिन क्या कभी बादल चोरी होने की घटना के बारे सुना है? सुनकर अजीब लगा ना, लेकिन यह हकीकत है। जी हाँ, एक देश ने बर्फ और बादल की चोरी का आरोप अपने पड़ोसी मुल्क पर लगाया है। असंभव सी लगने वाली ये घटना ईरान की है। जी हाँ, यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ के एक ब्रिगेडियर जनरल ने इजराइल पर अपने देश के बादल और बर्फ चुराने का आरोप मढ़ा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ईरान के ब्रिगेडियर जनरल प्रमुख गुलाम रजा जलाली का तो यही कहना है कि ईरान में हो रहे जलवायु परिवर्तन को देखते हुए इजराइल संदेह के घेरे में है। अन्य देशों के साथ इजराइल की कोशिश है कि ईरान में बारिश ना हो। रजा जलाली ने ईरान में सूखे का कारण इजराइल को बताया है। हालांकि ईरानी मौसम विभाग उनकी इस बात से सहमत नहीं है। वैसे देखा जाए तो अफगानिस्तान और भूमध्य सागर के बीच का 2200 मीटर का पहाड़ी हिस्सा बर्फ से ढका होता है, मगर ऐसा ईरान में नहीं। इस बात को जलाली ने भी उठाया है। बता दें, यह पहला मामला नहीं है जब ईरान में किसी अफसर द्वारा बादल चोरी का आरोप लगाया हो। इसके पहले 2011 में पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने कहा था कि पश्चिमी देशों की वजह से ईरान में सूखा है। उन्होंने तर्क दिया था कि यूरोपीय देश एक खास तरह के उपकरण का इस्तेमाल करके बादलों को कैद कर लेते हैं।